वृंदावन की जैत चौकी पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गौवंश से लदा एक ट्रक होडल पलवल से निकलने वाला है। पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर जैत चौकी के निकट से गुजर रहे ट्रक को पुलिस ने तय योजना के मुताबिक पकड़ने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद कई किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ट्रक को पकड़ पाई, लेकिन ट्रक में मौजूद गौ तस्कर फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने उनका पीछा भी किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सूत्र बताते हैं कि गौ तस्कर ट्रक में लदे इस गौवंश को कटान के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने HR 73A 6935 नंबर के ट्रक को अपने कब्जे में लिया, जिसका रजिस्ट्रेशन मुजद के नाम से है। पुलिस ने ट्रक से बरामद गौवंश को पालन पोषण के लिए वृंदावन स्थित श्रीपाद बाबा गौशाला को सौंप दिया है। गौशाला को सौंपे गए गौवंश में कुल 28 गौवंश हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार ने गौवंश का चिकित्सीय परीक्षण कर उन्हें फर्स्ट एड दिया। वृंदावन की जैत चौकी पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गौवंश से लदा एक ट्रक होडल पलवल से निकलने वाला है। पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर जैत चौकी के निकट से गुजर रहे ट्रक को पुलिस ने तय योजना के मुताबिक पकड़ने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद कई किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ट्रक को पकड़ पाई, लेकिन ट्रक में मौजूद गौ तस्कर फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने उनका पीछा भी किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सूत्र बताते हैं कि गौ तस्कर ट्रक में लदे इस गौवंश को कटान के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने HR 73A 6935 नंबर के ट्रक को अपने कब्जे में लिया, जिसका रजिस्ट्रेशन मुजद के नाम से है। पुलिस ने ट्रक से बरामद गौवंश को पालन पोषण के लिए वृंदावन स्थित श्रीपाद बाबा गौशाला को सौंप दिया है। गौशाला को सौंपे गए गौवंश में कुल 28 गौवंश हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार ने गौवंश का चिकित्सीय परीक्षण कर उन्हें फर्स्ट एड दिया।